मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग इन वर्ड्स बिकॉज आई हैव ब्रॉट यू अ स्पेशल वीडियो सेशन जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि किस तरह से आपको अपने दिमाग पर फोकस करके वर्ड को समझ करके बोलना है, यानी आपको सीन नहीं देखना है, किसी व्यक्ति का फिगर नहीं देखना है, बल्कि वर्ड पर ध्यान देना है। इसके लिए मैंने दो स्टूडेंट को रखा है जो आपको दिखेंगे नहीं, साइड में बैठे हैं। एक स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा और दूसरा आंसर इंग्लिश में देगा, ठीक है। मैं खुद सपोर्ट कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन एक करेगा, दूसरा आंसर देगा और आप ध्यान देंगे कुछ सेंटेंस को कैसे बोलना है। वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं लोग, तो प्रैक्टिस पर हम लोग ध्यान देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं साथ में मिल करके। चलिए ठीक है, तो दीपाली क्वेश्चन पूछेंगी और डॉली उसका जवाब देंगी, ठीक है। किस तरह से अलग अलग सेंटेंसेस, अलग अलग सिचुएशन बोले जाते हैं, ध्यान दीजिए। और आप इसे बोलना अगर नहीं जानते हैं, जानते हो तो बहुत अच्छा है, आप इसे सीख लेंगे बेहतर होगा। कुछ सेंटेंसेस है जो हम लोग, ठीक है, मेहनत करके आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ हेल्प दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। चलिए ठीक है, आप पूछिए और आप जवाब दीजिए, पकड़िए। वो बहुत बातूनी है। उन्होंने पूछा वह बहुत बातूनी है। शी इज वेरी टॉकेटिव। शी इज वेरी टॉकेटिव, या आप इसे बता सकते हैं उसकी शी इज अ बिग माउथ। शी इज अ बिग माउथ भी होता, बड़ा मुंह वाला, जिसका बड़ा मुंह है ना, अगर बोलेंगे कि शी इज अ बिग माउथ तो इसका मतलब बहुत ही बातूनी है। शी इज अ वेरी टॉकेटिव। उसकी एक आंख खराब है। ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, या वन ऑफ हिज आईज इज नॉट वर्किंग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये एक अच्छा बहाना है, दिस इज ए गुड एक्सक्यूज। मैं बहुत खर्चा करता हूँ, आई मे स्पेंड थ्रिफ्ट, या आई स्पेंड अलॉट। मैं जुबान का पक्का हूँ, आई एम ए पर्सन ऑफ वर्ड्स, या आई एम ए मैन ऑफ वर्ड्स, या आई कीप माई वर्ड्स। गुड। वो सारे दिन खाली था। ही वॉज आइडल ऑल द टाइम, या ही वॉज फ्री ऑल द टाइम, या ही हैड नथिंग टू डू ऑल द टाइम। कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, या व्हाई डिड यू कम हियर। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ, इसके लिए सबसे बढ़िया बोला जाता है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। प्लीज यही बोलिएगा, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है, डज इट मेक एनी डिफरेंस। तुम्हें दिल्ली कैसी लगी, हाउ डिड यू फाइंड दिल्ली। मैं शहर से बाहर था, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, या आई वॉज आउट ऑफ द सिटी, शहर हो तो बोल सकते हैं। वो अपने आंसू नहीं रोक सकी पाई, शी कुडंट होल्ड वीपिंग। इसका मतलब होगा वो अपने आंसू नहीं रोक सकी, या वो अपने आंसू नहीं रोक पाई, या हम बोल सकते हैं शी कुडंट कंट्रोल हर टीयर्स। मुझे आजकल पैसे की दिक्कत है, आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम दीज डेज। मैं परेशानी में हूँ, आई एम इन ट्रबल। तुम मेरे हमनाम हो, यू आर माई नेम शीक, या योर नेम एंड माई नेम आर सेम। मेरा छोटा भाई अपनी मर्जी का मालिक है, माई यंगर ब्रदर हैज हिज ओन वेज, या माई यंगर ब्रदर डज नॉट फॉलो अदर्स एडवाइसेस। माई यंगर ब्रदर डज नॉट फॉलो अदर्स एडवाइसेस, या माई यंगर ब्रदर हैज हिज ओन वेज। Has his own ways. अच्छा है, बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज, नेक्स्ट सेंटेंसेस। मेरे हाथ में दर्द था, आई हैड पेन इन माई हैंड, या माई हैंड वॉज पेनिंग। वेरी गुड। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से हम सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो ये सिचुएशनल सेंटेंसेस थे, इस तरह से आप बोलेंगे। फिलहाल इसकी संख्या मुझे और करनी चाहिए थी, अभी और बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन बस इतना ही, थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे तो समझ में आएगा और इसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। रटना नहीं है आपको, इसको अपने सेंटेंस में मिलाना है। जब कई सेंटेंस मिलाकर बोलते हैं तो इन सेंटेंसेस को इंक्लूड करना है, या इनके ज़रिए हम आगे भी बोलना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।